Olha, irmão. राम राम। और बता बेटे, तेरे घर पे सब ठीक ठाक हैं? जी मम्मी जी, सब सही है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में आने में? ना मम्मी, मुझे तो ना हुई। ना माँ, कोई दिक्कत ना हुई आने में? भाभी मैं तो कब से इंतजार कर रही है आपका। मैंने क्या लाई अपने घर से? हैं भैया आ गए। भाभी राम राम, कैसी हो? अरे भैया राम राम, मैं तो अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? भाभी बढ़िया चल रही पढ़ाई। अब तम आगी, अब थार तक पूछ ले करूँगा। अरे तुम अब नई बात करते रहोगे, इसे भीतर भी जान दोगे। जा बेटी तू कपड़े बदल ले, मैं तेने चाय बनाऊ। ओए रात आलू गोभी बनाई, तू तो खा के भी भूल जा के बनाया। थे तो उसमें भी आलू ही। तो बेटा अब तो सब्जी सारी आलू की आ रही है, सर्दी में तो सारी सब्जी में आलू गिरे। यू तो सब्जी का राजा है राजा। मान लिया यू राजा, पर मैं तो सोच रहा साग वाग बना लेती। साग कल को बना ले। अरे मैडम कपड़े बदल लिए आपने? हाँ जी बदल लिए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। आप कहाँ रह गए थे? अच्छा जी। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, हम शहर कब जाएंगे? मेरा यहाँ मन नहीं लगता, पर यहाँ पे कोई फैसिलिटी भी नहीं है। शहर? शहर किस लिए? तुझे कुछ लाना है क्या? अरे बुद्धू, कुछ लेने के लिए नहीं, हम शहर कब जा रहे हैं? अलग रहने के लिए, जहाँ मैं और सिर्फ तुम होंगे। अरे पागल, शहर जाके हम करेंगे क्या? सारा काम धंधा तो हमारा यहाँ है, परिवार हमारा यहाँ है, तो हम शहर जाकर करेंगे क्या? जी भी ना लगने का। आपने और आपके परिवार ने शादी से पहले तो यही कहा था ना कि आपकी बहू और सागर बाहर रहेंगे शहर में। अरे कही तो ही, पर तू यूँ तो देख हमारे ब्याह को भी दिन कितने हुए। एक बात बता, अभी तो सरगम की पढ़ाई रह रही है, उसको ब्याह भी करना, और भोलू भी तो पढ़े है अभी। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शहर जाना है बस, और मैं कुछ और दिन नहीं रुक सकती इन गवारों के साथ। यार अंजलि, ये तो शहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे तो मैं इस गांव की गंदगी में घुट घुट कर मर जाऊंगी, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे ही। बेटे मैं झाड़ू मार कर ला रही हूँ, तो पीछे पीछे पोछा मार ला। पोछा? मम्मी जी मुझसे नहीं लगता कोई पोछा वोछा। आप एक काम करो, आप सरगम को बोल दो, वो लगा देगी। सरगम? सरगम बेटी स्कूल जाओगी, अगर वो पोछा लगा लगी तो लेट हो जाओगी स्कूल को। पर पोछा लगाने में क्या है, गिल्ला ही तो करना फरस। अरे मम्मी, जब मैंने आपसे एक बार बोल दिया मुझे पोछा नहीं लगाना तो नहीं लगाना, आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? अरे यू क्या ड्रामा हो रहा सुबह सुबह? अरे बात क्या होती, मम्मी जी मुझसे पोछा लगाने के लिए बोल रही है, और मुझसे कोई पोछा वोछा नहीं लगता, मैंने मम्मी जी से साफ साफ बोल दिया। अरे तू लगा देगी तो क्या हो जाएगा? तू एक बार बता इस उम्र में माँ से पोछा लगवाओगी? मैंने कब बोला कि मम्मी जी पोछा लगाएंगे? मैंने तो सरगम को बोला है, सरगम भी लगा सकती है। अरे मैं जानू तेरे सारे ड्रामे, एक काम कर खड़ी हो और पोछा लगा ले। जब मैंने कह दिया मुझे पोछा नहीं लगाना तो नहीं लगाना, एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? अरे बेटा तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में? यू ना लगा रही पोछा जान दे, अब इस पे जो काम ना आता तो फिर क्या करेगी, मैं लगा दूंगी। बेमतलब की लड़ रहे हो। अरे माँ ऐसे तो इसकी आदत खराब हो जाओगी। दिखा दिए ना तुम सबने अपने रंग, मुझे तो पता था ससुराल में लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं शहर जाना चाह रही थी ताकि मैं ना रुक सकूं इन गवारों के साथ। मेरा नाश गए, तू हाथ क्यों उठा रहा बहू पे? वो ना कर रही तो मैं कर लूंगी। अरे पहले से काम करती ना आई हूँ मैं, थोड़ा घना और फालतू कर लूंगी तो मैं क्या मर जाऊंगी। अरे माँ मानना तो मैं भी ना चाहता, पर मैं क्या करूँ जब ये समझती ना, काम ही पिटने करे, नहीं तो मैं क्यों हाथ उठाऊँ इस पे। जा बेटा जा, बहू को मना ले। अरे यू घर में कलेश अच्छा ना होता, घर का नाश हो जाएगा। हे भगवान, मैंने क्यों काम बता दिया बहू को,
ना काम बताती ना घर में कलेश होता। इतना कर रही मैं तो थोड़ा सा और कर लेती, मुझे ऐसी पता होती तक इनकी लड़ाई हो जाएगी। तू कब जावे स्कूल? पढ़ता लिखता तो है भी ना? पढ़ूं मैं? लोंडिया ने ताड़ता रहे, बस हरकतें ही ऐसी हैं बेवकूफों वाली। अबे सीधा चल, तू ना सुधरे कभी भी, भैया से कहूंगी आज तेरी। किसी तक कहने की जरूरत ना देख। भैया से कहूंगी आज? देख कहने की जरूरत ना, 10 रुपए ले लिए इस बात के। 20 रुपए देवे तो बता। 15 ले लीजिए। ठीक है। देख जिक्र मत कर दिए। अबे 15 तो देगा ही तू? ले ली। पता नहीं किन गवारों के पल्ले पड़ गई मैं तो। एक मेरा पति है जो इस गांव से निकलने को तैयार नहीं है, वो सही किया मैंने आज। अगर आज मैं इनके काम में लग जाती ना तो ये लोग मुझे इसी गांव में नौकरानी बना के रखेंगे, और अगर मैं रोज रोज इन्हें ऐसी परेशान करूंगी ना तो ये मुझसे परेशान होकर मुझे जल्दी से शहर में भेज देंगे। भाभी बाहर माना दिखाई दी, माँ कहाँ गई? मुझे ना पता तुम्हारी माँ कहाँ गई। अच्छा तो भाभी आप हम दोनों को खाना ला के दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। वैसे भाभी बनाया के खाना को? मुझे नहीं पता क्या बना है। और हाँ सरगम, मुझे ऑर्डर देने की ना तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी भूख है ना तो जाके खुद खा लो, किचन में से लेकर जाओ अब यहाँ से। आ जाते हैं मेरा दिमाग खराब करने, ये करो कभी वो करो, शहर जाने को वो तैयार नहीं है। करूं तो क्या करूं? अरे आलिया बेटा स्कूल से? हाँ माँ आलिया, पर तू कहाँ गई थी? अरे बेटा मैं तो घर मग गई, घर का काम कर खाई सारा। तुम बताओ रोटी रोटी खाई ना खाई, नहीं बैठे हो बैग लिए? हाँ माँ खाना तो खा लिया, पर भाभी ते मांगा, भाभी ने दिया ना, हमने अपने आप ही खा लिया। ठीक करा बेटा, अपना ही तो घर है, अपना आप लेकर खा ले करो। ठीक है बेटा पढ़ लो तुम। अरे सागर बेटा उठी ना बो, अरे उसे उठा दे, रोटी टुकड़ा का ढंग ना होगा कुछ, दिन देख ले कितना चढ़ रहा, मैं भी थक जाऊं सारे दिन काम में लगी लगी। अरे माँ पता ना उसे तो कौन सी धरती की नींद चढ़ रही है, ले अभी आवाज लगाऊं। अंजलि, ए अंजलि, अंजलि, अरे उठी ना आगे भी काहे को सुन रही है तेरी, चिल्ला रहा मेरे धोरा बैठ के, वहीं जाकर ठा। हाँ जी बताओ क्या बात हो गई? अरे रोटी का टाइम हो रहा, देर पर रोटी ना बनाई गई क्या अब तक? मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ शहर में रहूंगी, मेरे बस की नहीं इतने बड़े परिवार के साथ में रहना। अरे बापा हाथ ना उठा करते बेशरम, तेरा कैसा लिहाज ना रहे? मैं ऐसा हाथ ना उठाऊं तो जूता सिर पे चढ़ जाओगी। हम तो बेटा जैसे टाइम कटेगा वैसा काट ले, ये रोज रोज का कलेश अच्छा ना होता घर में, और दुनिया तमाशा देखेगी। ना पता इसके ड्रामे मैं सब समझू, यू सब ये ड्रामे शहर जाने के लिए कर रही है। अरे बेटा मैं तो कह रही हूँ तेर से, तू बहू को शहर ले जा, ये रोज रोज का कलेश अच्छा ना रहता घर में, बेमतलब की हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चल तो मैं ठीक है, पर मैं हर 8वें दिन मैं तुमसे मिलना आया करूंगा। ठीक है बेटा। जा रही अपने लगते पैक कर ले। किसी तरह से घर की राड़ तो बुझे। बैठ जा। जानते पर उसे जा रही है तो हम तो अपना आप कर लेंगे अपना काम। ये काम कर रहे हैं 12 बजे सो का उठा है, 2-4 रोटी गिर रहा उनमें भी रोज की किरकिर रह, रोज रोज के कलेस से अपने जान दे। आप पका लूंगी मैं तो रोटी। माँ तेरे हाथ की बढ़िया लगे हैं ना तो रोटी। अरे मैं तो खवा ही रही हूँ पोके, मैं तो माँ हूँ, मैं थोड़ी नाई कर दूंगी तब मैं ना पूरी। तो माँ है खुश रह कर जान देने। क्या है? वाह! हच्चू मार रहा तू इसका? हाँ? 20 बार नुकाय दे पापा हाथ।
तरफ से जा रही है तो हम तो अपना आप कर लेंगे अपना काम, कितना सा काम है ये, चार रोटी ना गिरती इस पर रोज की, हाय हाय बे मतलब, ये भी खुश और हम भी खुश। छोड़ पर, अरे मैं इसे कहूंगी।